हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NFA टू DFA कन्वर्जन के बारे में। आई होप आपको पता होगा कि NFA क्या होता है और DFA क्या होता है। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि NFA और DFA क्या होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो आपको एग्जाम में याद रखना है कि DFA टू NFA कभी कन्वर्जन नहीं होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि आपको NFA को DFA में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कन्वर्जन को लेके कुछ भी दिया है तो सिंपल सी बात है, वो NFA टू DFA कन्वर्जन ही दिया होगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन जो है ये AKTU 2015 और 16 के क्वेश्चन पेपर में आया था, 10 मार्क्स के अंडर आया था। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको एक इससे भी सिंपल क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ NFA टू DFA कन्वर्जन का, सो दैट आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी गिवन NFA को एक DFA में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो से फॉर एन एग्जांपल, हमें कोई लैंग्वेज दे रखी है ए कॉमा बी, ठीक है, और हमसे कहा गया कि हमें इसका एक ऐसा NFA डिज़ाइन करना है जिसमें कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमारा हमेशा ए होना चाहिए, यानी कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट ए होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इसका NFA आप लोग डिज़ाइन कर लोगे, एक बार वीडियो पॉज करके डिज़ाइन करके देख लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका NFA किस तरह डिज़ाइन होगा, पहला तो हमारी कंडीशन आएगी क्यू नॉट, मतलब स्टेट आएगी क्यू नॉट स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट। यहाँ से क्या जाएगा, सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमें ए चाहिए तो हम यहीं पर ए दे रहे हैं, फिर क्यू वन जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेट है, फिर यहाँ से जाएगा हमारा Q2 फाइनल स्टेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम A B कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि हमें सेकंड लास्ट A चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A के पहले कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप डाल देंगे A कॉमा B, यहाँ पे कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सेकेंड लास्ट एलिमेंट A चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इसका हो जाएगा NFA, ठीक है। अब हम लोग इसको DFA में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हमें इसे कन्वर्ट करना है DFA में। तो एग्जाम में आइदर आपको क्वेश्चन दे सकता है जो अभी मैंने दिखाया था टेबल के फॉर्म में, या फिर आपको क्वेश्चन दे सकता है डायरेक्टली एक NFA बना के दे देगा और बोलेगा इसको DFA में कन्वर्ट करो। तो इसमें आपको खुद से टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो खुद से कैसे डिजाइन करेंगे ट्रांजिशन टेबल, बहुत ईजी है ट्रांजिशन टेबल बनाना। सबसे पहले आपको एक कॉलम में स्टेट्स लिखना है, एक तरफ इनपुट ए इनपुट बी, अगर ज़्यादा इनपुट है सी डी ई एफ तो सारे इनपुट एक एक रो में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। कॉलम बना लेते हैं। अब पहला क्या आएगा हमारा स्टेट क्यू नॉट, फिर क्यू वन, फिर क्यू टू, फाइनल स्टेट जो है हमारी। अब देखना है हमें कि क्यू नॉट पे ए देने पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे ए देने पे दो जगह जा रहा है, एक क्यू नॉट पे और दूसरा क्यू वन पे, तो दोनों को यहाँ पे लिख देना है। क्यू नॉट पे जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है, फिर क्यू वन पे ए देने पे क्यू टू जा रहा है, क्यू टू लिख देना है, क्यू टू पे ए देने पे कहीं नहीं जा रहा, यानी कि डेड हो जा रहा है उसके बाद से, तो यहाँ पे हम लोग नल छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अगला क्या आता है बी, तो क्यू नॉट पे बी देने पे क्यू नॉट जा रहा है, क्यू वन पे बी देने पे क्यू टू जा रहा है, और Q2 पे बी दे ही नहीं रहे हम लोग, तो ये हम लोग का नल रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस NFA। अब इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमें इसके DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल डिराइव करनी है, सारा गेम इसी का है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप आराम से कन्वर्जन कर ले जाओगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से एक ट्रांजिशन टेबल बनानी है, ठीक है, DFA के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट्स, ये इनपुट, ये इनपुट, ठीक है। इसको बनाते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप पहला वाला जो स्टेट है वो नोट कर लो, क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू वन और ये क्यू नॉट। अब क्यू नॉट तो यहाँ पे डिफाइन है, क्यू नॉट क्यू वन डिफाइन नहीं है, तो क्यू नॉट क्यू वन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करना है तो इसको दोबारा से लिख लो, अब उससे हमें मतलब नहीं, अब सेकंड और थर्ड स्टेट हमें नोट करने की जरूरत नहीं, पहली नोट कर लो, फिर इसमें जो नहीं डिफाइन है उसको डिफाइन कर दो, क्यू नॉट क्यू वन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू नॉट और क्यू वन दोनों सेलेक्ट करना है,
और देखना है दोनों पे ए देने पे कहाँ जा रहा है। दोनों पे ए देने पे क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू तीनों मिल रहे हैं ना रिजल्ट, तो यहाँ पे तीनों नोट कर लेना है हमें, क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। फिर बी पे क्यू नॉट और क्यू टू दोनों मिल रहा है, तो दोनों नोट कर लेना है, क्यू नॉट क्यू टू। अब हमारे पास क्या डिफाइन नहीं है, हमारे पास ये डिफाइन नहीं है और हमारे पास ये भी डिफाइन नहीं है, इन दोनों को डिफाइन करना है। तो पहले हम इसको करते हैं, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ए देने पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू तीनों पे। ए देने पे ये वाली स्टेट्स मिल रही हैं, यानी कि क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू मिल रहा है। उसके बाद बी देने पे क्यू नॉट क्यू टू मिल रहा है, ये हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है, एक बार ये डिफाइन हो गया, अब सिर्फ ये बचा है, तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्यू नॉट और क्यू टू। ठीक है, क्यू नॉट क्यू टू, क्यू नॉट क्यू टू यानी ये दोनों, इन दोनों पे ए देने पे क्यू नॉट क्यू वन, यहाँ पे तो नल है तो नल को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू नॉट क्यू वन। बी पे क्यू नॉट, ठीक है, नल लिखने की जरूरत नहीं है। अब टेबल बन गई। अब एक कन्फ्यूजन आप लोग को यह आ रहा होगा कि इसमें तीन स्टेट थी, इसमें चार स्टेट हो गई हैं। तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जाम टाइम में भी याद रखना ये चीज़, कि जब भी हमारा एनएफई की ट्रांजिशन टेबल बनेगी, तो जस्ट सपोज वहाँ पे एन स्टेट्स हैं, ठीक है, तो जब डीएफए की ट्रांजिशन टेबल हम इससे डिराइव करेंगे, तो इसमें मैक्स टू मैक्स हमारी टू की पावर एन स्टेट्स हो सकती है मैक्सिमम, मिनिमम उससे कम होंगी तब भी चलेगा। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे तीन स्टेट हैं, अगर यहाँ पे मोर देन एट स्टेट्स आ गई तब आपका ये ट्रांजिशन टेबल गलत है, आप कहीं एरर कर रहे हो, उसको आप रीचेक कर लेना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन ही स्टेट हैं तो ईजी है, अभी पाँच छः स्टेट आ जाएंगी तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको ये याद रखना है, टू की पावर एन से ज़्यादा स्टेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, बाकी सिंपल है, इतना समझ गए तो बस इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, अब हमें एक दो तीन चार, ये चार स्टेट हैं, इन्हीं को हमें समझ लेना है कि ये स्टेट्स हैं हमारी। तो क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट क्यू वन हो गया, ये हमारी सेकंड स्टेट हो गई, पूरे को सेकंड स्टेट मान लेते हैं हम, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, इस पूरे को हम थर्ड स्टेट मान लेते हैं, और क्यू नॉट क्यू टू को हम लोग फाइनल स्टेट मान लेते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, एक सेकेंड, ये अब दिख रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड स्टेट मान लेते हैं, इसको थर्ड स्टेट और इसको लास्ट स्टेट। फाइनल स्टेट कौन सी होगी इसमें, अब इसमें तो पता था हमें ऊपर वाले में कि Q2 हमारी फाइनल स्टेट है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो जिसमें जिसमें Q2 है वो सारी हमारी फाइनल स्टेट होंगी। इसमें Q2 है, ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, और इसमें Q2 है, ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डेराइव किया था वैसे यहाँ पे करना है, Q0 पे ए देने पे Q0 Q1 जा रहा है, तो Q0 पे ए दे दो और Q0 Q1 से ज्वाइन करा दो। B देने पे Q0 यानी यहाँ का सेल्फ लूप आ जाएगा B का, फिर Q0 Q1 पे ए गया तो ये यहाँ आ गया, Q0 Q1 पे B गया तो यहाँ चला गया, फिर Q0 Q1 Q2 पे ए गया तो यहाँ पे सेल्फ लूप आ गया, और B गया तो Q0 Q2 पे यानी यहाँ B, Q0 Q2 पे A गया तो ये Q0 Q1 ले जाएगा यानी कि यहाँ, यानी कि ये कुछ इस तरीके से A देने पे, और Q0 Q2 पे जब B देंगे तो Q0, Q0 Q2 पे B देंगे तो Q0, बस हो गया, इतना ही था, सिंपल है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इजीली किसी भी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डीएफए बन चुका है, राइट? तो अब अगर ये एग्जांपल क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे साथ एक ईजी चीज ये हो गई है कि यहाँ पे हमें ट्रांजिशन टेबल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना किसी भी चीज को लेके कि यहाँ पे सिंबल्स इतने सारे हैं, वहां पे ए था बी था, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ए इनपुट के सिंबल है, ये बी इनपुट के सिंबल है। ठीक है, जब ए इनपुट देंगे तो स्टेट्स यहाँ जाएंगे और बी इनपुट देंगे तो स्टेट्स यहाँ जाएंगी। ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, सी फाइनल स्टेट दे ही रखा है ऑलरेडी, अब हमें बस इस टेबल को हमारी टेबल यानी कि हमें डीएफए की टेबल में कन्वर्ट करना है, ये एनएफए की टेबल है। ठीक है,
तो डीएफए की टेबल कैसे बनाएंगे इससे मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेट्स, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था वहाँ भी। यहाँ पे आएगा हमारा इनपुट ए, यहाँ आएगा इनपुट ए, इनपुट बी। चाहो तो आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हो, इनपुट क्यू कॉमा ए, ये इनपुट क्यू कॉमा बी, ठीक है। अब पहली तो हमें नोट करनी है एज इट इज, तो हम ये उतार लेंगे, ए ए कॉमा बी, यहाँ पे सी। अब हमें डिफाइन करना होगा, ठीक है, तो पहले हम लोग ए बी डिफाइन करते हैं, ए बी डिफाइन करते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा ए बी, इन दोनों को लेके देखेंगे तो ए बी से मिलेगा ए बी ए। अब ए रिपीट हो रहा है तो हमें दो बार सेम स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा सेपरेट कर लो। फिर बी इनपुट देने पे, ए बी के बी इनपुट देने पे सी बी मिल रहा है हमें, सी बी, ठीक है। अब हम किसको डिफाइन करेंगे, हम अभी सी को भी डिफाइन कर सकते हैं, सी बी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले सी को डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि वो पहले मिला था, तो सी डिफाइन करेंगे। ए इनपुट देने पे नल है, बी इनपुट देने पे ए बी, ए बी डिफाइंड है, सी डिफाइंड है, सी बी बचा खाली, सी बी डिफाइन कर लो, ठीक है, सी बी ये रहा। ए इनपुट देने पे ए, बी इनपुट देने पे बी ए बी, बी वाली स्टेट दो बार रिपीट है तो हम एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, सिंपल। अब ए बी डिफाइन है, ए डिफाइन है, सी बी डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं इसमें जो अनडिफाइंड हो। अब हमें क्या करना है, टेबल बन गई हमारी, अब इसको हमें डी एफ ए बना लेना है। इसका डी एफ ए कैसे बनाएंगे, ए लिखा, हमारे पास एक दो तीन चार स्टेट हो गई, एक स्टेट ए, एक स्टेट ए बी, एक स्टेट सी और एक स्टेट सी बी, ठीक है। ए पे, ए इनपुट देने पे ए बी जा रहा है, पहुंचा दिया ए इनपुट पे, बी पे सी जा रहा है, पहुंचा दिया ए बी पे, ए पे ए बी जा रहा है, यानी कि यहाँ पे लगेगा लूप, और बी पे सी बी जा रहा है, यहाँ से बी, सी से नल है ए के केस में, ठीक है। तो चाहो तो आप एक डेड स्टेट डिनोट कर सकते हो, चाहो तो डेड स्टेट मत डिनोट करो, गलत नहीं होगा, ठीक है, तो हम नहीं डिनोट कर रहे हैं। और सी पे बी इनपुट देने पे आएगा ए बी पे, यानी कि ए बी पे बी देने पे, फिर सी बी यानी इस स्टेट पे ए इनपुट देने पे ए आएगा, तो ये गया ए पे, और बी इनपुट देने पे ए बी जाएगा, यानी कि ये यहाँ से गया वापस बी इनपुट। ये हो गया हमारे डी एफ ए में कन्वर्जन इस गिवन एन एफ ए ट्रांजिशन टेबल का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एन एफ ए टू डी एफ ए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया था, सिंगल क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हो सकता है कि रिपीट हो जाए आने वाले एग्जाम्स में, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया वो भी 7.5 मार्क्स में आया था, पहले आया था इसलिए मैंने उसको नहीं मेन कंसिडर किया था, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर आपने एकेटीयू की प्लेलिस्ट मेरी विजिट नहीं किया तो जाके विजिट कर लो, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।